बड़े अच्छे पुलिस वाले लग रहे हो, आप डबल सवारी में आते हो? उन्होंने कहा हाँ, कहते बड़े तेज हो। घर वालों से कभी कोई शिकायत आपको हुई हो? नो, ऑफ कोर्स, दिस द पाकिस्तान इज वेरी ग्रेट कंट्री, एब्सोल्युटली वेरी ब्यूटीफुल, बट 32 इज बिग प्रॉब्लम, यू नो। घर में आप सीरियस होते हैं? नहीं, मैं ड्रिप लगी हुई थी घर में, उसी से मेरे बारे पूरा इंच हिस्ट्री फूली। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी ये फील करते थे कि हम लाहौर में पाकिस्तान में आके गैर महफूज हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब वो महफूज का गिला नहीं करेंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी होंगे ऐसे लब लबा। Assalamualaikum, Good morning, Safe City के साथ मैं हूँ मोहम्मद फाइक और मेरे साथ मौजूद हैं ताहिरा अली राणा। ताहिरा, आज आपको हमारे स्टूडियो में कुछ खास रौनक नजर नहीं आ रही। जी फाइक, आज हर कोई हंसता मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज लोगों में खुशियाँ बखेरने वाली शख्सियत मौजूद हैं। बिल्कुल, हम बगैर किसी ताखीर के तारुफ करवाते हैं अपने मेहमान का। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हनी अलबेला, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि सर थोड़ा ज्यादा ताल्लुक पंजाबी दे नाल रहा है तो मैं थानू पंजाबी कहवांगा जी आयानू खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया। सारे जानते ने हनी अलबेला दे नाम, तो तुहाडा असली नाम की है? जी हुसैन रजा। हुसैन रजा, तो हनी अलबेला का सफर कैसा रहा, किस तरह तुसी अटैक किया, की वजह सी कि तुसी हनी अलबेला ही नाम चूज किया, कोई होर नहीं किया? मेरा असल च ना जी बचपन का नाम हनी सी, और मैं जो शोबे च आया ते उदो ए डिसाइड हो रहा सी की रखिए नाम ये वो, क्योंकि बड़े मुश्किल ना मैं अबू नू कन्विंस किया है कि जी मैं शोबे सर हनी नाम क्यों रखे आओ ही मैं तुम दस चाह रहा उधर ही तो मैंने कहते यार हुसैन रजा तेरा नाँ है तो हुसैन रजा शोबिस का नाम नहीं, बड़ा कोई सोफिस्टिकेटेड जहा, बड़ा कोई बैंक मैनेजर वर्गा नाम। सही है, सही है। कहते तेरा नाँ हनी है तो अगर तेरे ना अलबेला लग जाए तो मैं कह जी ये तो फिर जिंदगी बन जाएगी। चार चार लग जाएगी। जी चार चार लग जाएगी। वो इंज ही होया, फिर वो अलबेला ना हनी दे नाल लगा तो उस रोशनी दे नाल हनी चमकन लग पया। क्या बात, तो वो अल्लाह दी मेहरबानी और अभी तक चमक रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर करियर का आगाज पीटीवी से किया, उसके बाद स्टेज कॉमेडी शोज, क्या समझते हैं कि कौन सा फेज ज्यादा चैलेंजिंग रहा और किस में ज्यादा बूम मिला? मुझे क्योंकि मेरा स्टार्ट टीवी से था तो टीवी का कुछ एक्सपीरियंस मेरे काम आया ये टॉक शोज में। उससे पहले मैंने ड्रामा सीरियल्स किए और सिटकॉम्स किए इस तरह के, तो असल जो बूम मिला वो टॉक शोज की वजह से मिला। क्योंकि ड्रामा सीरियल्स भी उस वक्त जो चल रहे थे तो वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकग्नाइज तो हो गया था, लेकिन असल लोगों के दिलों में जो घर हुआ वो खबरनाक से स्टार्ट हुआ और आजकल जबरदस्त से चल रहा है। सर आपने चैनल का जिक्र किया, मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, पीटीवी पे आपके एक सीरियल चलता था डबल सवारी। जी जी। उसमें आपने एक पुलिस का रोल किया था। हाँ जी। और एक डायलॉग भी मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा। हाँ जी। बड़े अच्छे पुलिस वाले लग रहे हो, कैसा रहा सर वो, क्या था जी, कैसा लग रहा था पुलिस वाला बन के? वो आप आज पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में आए हैं। जी 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 जी। वो पीटीवी का एक प्ले था डबल सवारी, और उसके को 5-6 एपिसोड, वो भी एक बड़ी मज़े की कहानी है, मैं शॉर्ट करके सुना देता हूँ आपको। तो वो 5-6 एपिसोड उसके ऑनर हो गए, तो मेरे जो दोस्त हैं राइटर आगा अब्बास, वो आर्टिस्ट भी बड़े अच्छे, उन्होंने मुझे कॉल की तो मुझे कहते हैं यार एक कैरेक्टर है पुलिस वाला है, स्टॉक कैरेक्टर है, वो मैंने कही मैं करूँगा जो, तो मैं गया उधर तो मैंने सारा माहौल देखा तो मैं कह यार सारे कुछ ही पुलिस वाले ने डिफरेंट की हो गए। हाँ। उस पे इफ्तिखार ठाकुर साहब थे, वसीम अब्बास, बिल्कुल बिल्कुल, उससे पहले अशरफ खान साहब थे और पार्ट वन में, हाँ जी हाँ जी, अशरफ खान साहब और आगा अब्बास थे जहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर हाँ जी जब सीजन चेंज हुआ तो ये लोग भी आ गए, तो अब मैं सोच रहा तो ना मैं एकदम ना हंस पड़ा। हाँ। अच्छा ये मेरी आम रूटीन की कॉन्टीन्यूटी थी आगा। अच्छा। के साथ मेरा दोस्त भी है, तो मैं जब भी कोई बात करता तो मैं उसको बात को थोड़ा लटका के करता था, तो वो बहुत हंसता था, तो मैं बैठा बैठा तो मैंने कहा यार आगा अगर मैं इसको कंटिन्यूटी में ला लूँ तो सर क्या, मैं कहा ये बड़ी तेज तो वो भी हंस पड़ा, कहता हाँ बना ले। वो मैं अभी दो एपिसोड ऑनर हुए हैं बस, तो मुझे उसका फोन आया, कहा तो की कीता तो मैं क्या, अब इतना फीडबैक वो कहीं ये गए हुए थे सवात।
तो वहाँ एक बच्चा छोटा सा ना, वो आगा कहता मैं ना रोड क्रॉस कर रहा था, तो उसने इस तरह करके ना मुझे देखा तो कहता आप डबल सवारी में आते हो? तो उन्होंने कहा हाँ, कहते बड़े तेज हो। वो कहता मैं हैरान हो गया कि हाँ। वो अब अल्लाह की रहमत अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी आप कुछ कोई बात ऐसी करते हैं वो कबूल हो जाती है। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये बात लोगों को अभी भी लोगों को याद है। याद है, बिल्कुल इसी तरह। सर बहुत से करेक्टर्स के हर करेक्टर में फेम मिला, कोई अपना फेवरेट करेक्टर या कुछ मिमिक्री आप हमारे ऑडियंस को आज करके दिखाएं? मिमिक्री मैं मीरा की अक्सर करता हूं। जरूर जरूर जरूर। और वैसे करेक्टर्स तो उसमें बहुत है, मेहदी हसन खान साहब के जो शागिर्द है। सर सोच समझ के चूज करना है। वो मेहदी ब्रदर्स आप बड़ा अच्छा करते हैं, वो आपका बड़ा फेमस है। एक ओल्ड बाबा भी आप लोगों ने शायद देखा होगा, चार पे पड़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो मीरा से इसका थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो आप इसे स्मैल के लिए मैं इसके जवाब दूंगी, आप जो भी कहेंगे। आप घर में कैसे रहती हैं? ऐसे घर वालों से कभी कोई शिकायत आपको हुई हो? नो, ऑफ कोर्स दिस द पाकिस्तान इज वेरी ग्रेट कंट्री। एब्सोल्युटली वेरी ब्यूटीफुल, बट 32 इज बिग प्रॉब्लम, यू नो। You know 32. When you come light. Showbiz, कैसा लगा आपको आके? Of course, this is the I'm vegetarian and no smoking in the World Trade Center. अच्छा हनी बिल्ला साहब कहते हैं कि रुलाना जड़ा बड़ा आसान काम है, ते हसाना बड़ा मुश्किल है। No doubt. तो तानू की लगता है कि तुसी जड़ा काम कर रहे हो आसान है कि मुश्किल है? बहुत मुश्किल, उसमें एफर्ट ज़्यादा है। बाज़ वक़्त ये होता है कि आपका मूड नहीं होता, ठीक है ना। अब आपके माशाल्लाह जिस जॉब है, ठीक है ना, तो आप ना चाहते हुए भी आपको आना पड़ता है। तो हमारी भी यही जॉब है। या कुछ ऐसा मूड नहीं होता उस वक्त आपका, लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। बाज़ वक़्त होता है कि आप डिप्रेस हैं, परेशान हैं, या बाज़ वक़्त जिस तरह मैं अम्मी अब्बा की मुझे याद अक्सर आती है क्योंकि वो नहीं है, तो अब अपनी इस कामयाबी में मैं उनको भी देखना चाहता था, लेकिन अब वो जहाँ भी हैं वो मुझे देख जरूर रहे हैं। तो मेरी ये एक उम्मीद, एक आस जो है वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हौसला देती है। तो हम कह सकते हैं कि घर में आप सीरियस होते हैं? नहीं, मैं ड्रिप लगी हुई घर में। बेगम का प्रेशर भी तो हो सकता है ना? हाँ, ये तो कह सकते हैं। और गल भी दसना, दो बेगम का प्रेशर हो सकता है, डबल प्रेशर। अच्छा, तुसी मेरे बारे ना काफी देखो, तुसी पूरी रिसर्च कीती है, तुसी तुहानू सानू पता सी वड्डा स्टार आ रहा है। मैं असल च ना हमेशा मोहब्बत दा मतलाशी रहा। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शुक्र कि मैं मेरी फैमिली है बढ़िया, खुश ने, हैप्पी ने, मैं बहुत है। एनएक वाले जिन में भी आपको एक रोल मिला, वो करेक्टर उस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि वो क्या रोल था। सीते मेरे बारे पूरा इंच हिस्ट्री फुली। एनएक वाले जिन मेरा पहला प्ले था पीटीवी का, क्योंकि वो बड़ा एक मशहूर प्ले था, हमारे बचपन की बड़ी यादें वापस आते हैं उसके साथ। उसमें मैं चाइल्ड स्टार मैंने किया था स्टार्ट, मुझे उन्होंने तैयार थी और करके ना जी गेटअप शेटअप करके, तो वो शॉट ये था कि अब्बू ने को मंत्र पढ़ा तो मंत्र उल्टा पढ़ लिया। अच्छा। उठा मंत्र पढ़ के ना, तो वो उससे फ्रीज हो गया, क्यों हो गया, तो वो वहाँ से शॉर्ट से निकले तो मैं उसमें इन हो गया। तो इस तरह वो शॉर्ट चेंज हुआ, वहाँ से आगे मेरा काम, और वो जादू चल गया। अच्छा, वो फर्स्ट शॉट मैंने दिया, वो कुदरती इतना अच्छा शॉट मुझसे हुआ, वो मैंने नहीं किया था, वो कुदरती हुआ, क्योंकि फर्स्ट कैमरा वो लगे जैसे बलामा खलोती है अरेंज करके। अच्छा। तो मैं परेशान, शॉट भी यही था, वो ऐसा एक्सप्रेशन मेरा यार कैरी हुआ को सारे करी और क्या अच्छा आर्टिस्ट है। हाँ। और उन्होंने ये नहीं पता कि अंदरों इधर की डरे हुए हैं। तड़े वालिदे मोहतरम हाजी अलबेला साहब, मेरे ख्याल से वो नहीं चाहते थे कि तुम इस फील्ड से हो। हाँ, एक बार उन्होंने तड़े को शायद कुछ अभी भी खोई सी गड्डी दी। हाँ, नहीं वो ऐसे को नहीं, की वाकई की सी हो दसो मैनू ना। मैं जो मैं असल च ना अपने दोस्तों के नाल मिल के ना असी अपने इलाके दे विच ना कम्युनिटी सेंटर जी बिल्कुल, उत्थे मैं ड्रामा लिखना भी था ते ड्रामा डायरेक्ट भी करना, परफॉर्म भी करना विच, ते ओ किधर ना अब्बू किसे ने दसता कि मुंडा ते उस पास टुर पे तुहाडा। सही। ओ मैनू एक दिन कहंदे कहंदे बाऊ जी फिर तुहाडा आखिरी फैसला है। सही। देख लई यार, मैं तो सोचा सी कि तू कोई मैगे जी बस हूँ मैं की करा। अच्छा, मैं शुरू में था क्रिकेटर, बहुत अच्छा। अच्छा। मैंने अंडर 16 भी खेला हुआ है, और मैं हो सकता है कि आज मैं यहाँ रिटायर हो चुके हूँ तक, या एक जन के क्रिकेट में एक नाम जरूर बनाता, बहुत अच्छा मैं खेलता था। वो वहाँ पे को थोड़ा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कोच साहब के साथ, तो वो बस वहाँ से निकला, तो वो मैंने इधर रास्ता इख्तियार किया, वो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लियर हो गया। वो गाने की बात हम कर रहे थे, तो मेहंदी हसन के स्टाइल में कोई हमारे पुलिस के जवान इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके नाम कोई आप गाना करना चाहें?
जी ज़रूर, पहले तो मैं ये बात करूँगा, खान साहब जब आते हैं वो मुझे ज़िंदगी में बड़े अपॉर्चुनिटीज मिली और मैं बहुत अपने इन जो पुलिस के जवान हैं उनसे राज़ी हूँ, उनके लिए मैं एक लपे आती अपनी गज़ल में एडजस्ट करके पेश करूँगा। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लपे आती है, आपने गौर किया मैंने कैसे एडजस्ट किया? बिल्कुल। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, लपे आती है। वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा बिल्ला साहब, स्टेज से तुसी काफी काम किया है जी, अब तक स्टेज पे आपको टफ टाइम किसने दिया, और कोई फेमस जुगत अब तक की जो आप समझते हैं कि बड़ी मशहूर है आपकी? थिएटर पे टफ टाइम सिर्फ प्रोड्यूसर देता है क्योंकि पैसे बहुत नहीं है। बाकी आज तक किसी ने कोई टफ टाइम नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अमानुल्लाह साहब, अमानुल्लाह साहब हमारे यानी कि वो लेजेंड्स हैं, अमानुल्लाह साहब, उनके उस्ताद अलबेला साहब। अब अलबेला साहब के घर में पैदा हुआ तो इन फनकारों के साथ मेरा इस तरह का साथ था कि कोई मेरा चचा था, मेरा मामू था, तो इनकी गोदों में मैं पला बड़ा हूँ, बचपन उन्हीं के साथ गुजरा, उन्हीं के साथ गुजरा। तो अल्लाह पाक अमानुल्लाह साहब को भी करोड़ों जन्तों में घर करे, इतने नफीस, इतने प्यारे आदमी कि मैं बयान नहीं कर सकता। आपने कॉमेडी में हर तरह का करेक्टर कर लिया, कोई ऐसा करेक्टर जो आप करना चाह रहे हो, आपको ख्वाहिश हो कि ये मिस हो गया, ये मुझे करना चाहिए? आर्टिस्ट के लिए मेरा ख्याल कोई भी आखिरी हद नहीं होती। कैसे ना, कुछ छड़िया भी जे? हाँ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं छड़िया, आपकी बात बिल्कुल बजाय। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इसमें कैरेक्टर्स किए अनगिनत, अब तो मैं खुद भूल गया हूँ मैंने क्या क्या किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ये है कि अब भी मैं जब रिकॉर्डिंग में जाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है आज मेरा फर्स्ट डे है, फिर वही जोर वही एनर्जी के साथ कर रहा हूँ। तो कैरेक्टर्स बस दुआ यही है कि जब तक सांस है अपनी ऑडियंस को, अपने प्यार करने वालों को, चाहने वालों को मैं मुस्कुराते ही देखूंगा। आपने पंजाब से सीरीज अथॉरिटी का विजिट किया जनाब, इस विजिट के बाद आप क्या समझते हैं कि शहर लाहौर इस वक्त ज़्यादा महफूज हाथों में है और आप अपनी फैमिली के साथ बाहर आज़ादा ना घूम सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये करम है कि मैंने आज बहुत विजिट किया, बल्कि इसकी अवेयरनेस मुझे बहुत देर पहले से है क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना भी एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ और उस पर भी मैं गाहे बगाहे कुछ ना कुछ इस तरह का करता तो विजिट करता रहता हूँ। तो मैंने आज, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं तमाम अफसरान से मिला, आप लोगों से मिला, तो मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हो गया कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये फील करते थे कि हम लाहौर में पाकिस्तान में आके गैर महफूज हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब वो महफूज का गिला नहीं करेंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी होंगे ऐसे लब लगाएंगे। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर थोड़े कीमती वक्त, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे हनी अलबेला और उनसे बात करके हमने तो बहुत इंजॉय किया और यकीनन आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। इसी के साथ हमें चाहिए इजाजत और आपको साथ साथ कहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह हनी के बाद।